तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में नीट्रोजस्ट SR-200 टैबलेट के बारे में बात करेंगे। उसका कंपोजिशन क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। सबसे पहले इसका कंपोजिशन देखते हैं, इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। तो इसमें प्रोजेस्टेरोन सस्टेंड रिलीज टैबलेट है। इसमें जो केमिकल है उसका नाम प्रोजेस्टेरोन है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या रहता है, एक फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल बॉडी में रहता है। अगर ये प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाए बॉडी में तो इससे बहुत सी दिक्कत होने लगती है लेडीज़ को, जैसे कि पीरियड का इरेगुलर होना, प्रेगनेंसी में दिक्कत होना, ब्लीडिंग होना, पीरियड टाइम पे नहीं होना, या महीने में कभी दो बार हो जाना, या पीरियड होए ही नहीं पूरे महीने में। तो ये सब में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो रिप्लेसमेंट है ये टैबलेट के थ्रू दिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन टैबलेट लेने से अगर जो ये सब की दिक्कत हो तो उसको ठीक कर देता है। जैसे कि बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो ये सब दिक्कत आती है, जैसे कि पीरियड का इरेगुलर होना, प्रेग्नेंट नहीं होना और ब्लीडिंग वगैरह होना। तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाने की वजह से होता है। तो प्रोजेस्टेरोन टैबलेट लेने से ये लेवल बराबर हो जाता है, फिर उसके बाद ये दिक्कत सही हो जाती है। देखते हैं कि प्रोजेस्टेरोन टैबलेट कौन कौन नहीं ले सकता है। कि अगर जो कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको प्रोजेस्टेरोन टैबलेट बिना डॉक्टर के सलाह का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल बॉडी में ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है। ऊपर से अगर जो कोई प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट खा रहे हैं तो उसको पहले से ही प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में, और ये जाके बढ़ा देगा तो उससे बच्चे को कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए ये बिना डॉक्टर की सलाह का प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए। जो कोई लेडीज़ को एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग है, लीवर डिसीज है, ब्रेस्ट कैंसर है और रिसेंटली हार्ट अटैक का कोई खतरा हुआ है तो ये बिना डॉक्टर की सलाह का या बिना प्रिस्क्राइब किए ये टैबलेट नहीं खा सकती है। कुछ साइड इफेक्ट देख लेते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है एबडोमिनल क्रैम्प हो सकता है, पेट में कुछ मोड़ आना या दर्द जैसा लगना। फिर उसके बाद दूसरा साइड इफेक्ट ये डिजीनेस चक्कर जैसा आएगा ये खाने के बाद, और इसको खाने के बाद सर दर्द भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और डिप्रेशन भी हो सकता है ये खाने से। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट है, इसके अलावा भी और भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें जो नीट्रोजस्ट SR-200 टेबलेट है तो इसकी प्राइसिंग 400 के करीब रहेगी। अगर जो आपको इससे सस्ती कोई टैबलेट चाहिए तो आप जाके बोलेंगे मुझे प्रोजेस्टेरोन SR-200 की कोई सी भी जो ब्रांड है आपके पास अवेलेबल तो दे दो सस्ती वाली। तो सस्ता जो है 200-250 के करीब में, या उससे भी सस्ता जो टैबलेट उसके पास अवेलेबल है मेडिकल वाले के पास, तो वो दे देंगे।